हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स क्लासेस के एक और नए वीडियो पे। अब जो हम लोग ये सब वीडियोस में क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आप लोग जो भी नए नए लोग चैनल पे बनते जा रहे हैं वो लोग पीछे के भी सारे वीडियोस देखिएगा, और जो आने वाले वीडियो हैं रोज दो हर 2 दिन पे शाम में 7 बजे एक वीडियो मिलता है, पब्लिश होता है, तो आप लोग उस हिसाब से अपना देख लिया करिएगा, लेकिन पीछे के भी सारे वीडियो देख लीजिएगा, और लास्ट में कुछ भी कमेंट किया करिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद, जैसी आप लोगों को जो चीज़ ज़रूरत होगी। चलिए, बाकी जो लोग ऐसे ही, एक लोग पूछ रहे थे कमेंट में, एक स्टूडेंट है वो पूछ रहे थे कि मयंक कश्यप नाम है, वो पूछ रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है तो ही हम लोग यहाँ पे लगवा रहे हैं। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिजिक्स से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में भी, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे। पॉलिटेक्निक का पेपर है, के पेपर के लिए पढ़ रहे हैं ये तो पता है आप लोगों को। कुछ भी क्वेरी करनी होगी आपके स्क्रीन पे नंबर दे रहा है, उस पर मैसेज करिए, कॉल करिए, जो करना हो करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा कर लें कि क्लियर दिखे। क्लियर दिख रहा है, ठीक है। वेग का एसआई मात्रक है। अब वेग, वेलोसिटी जानते हैं, विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक बताएगा कोई? मीटर पर सेकंड। कैसे? विस्थापन बटे समय। विस्थापन को मीटर में नापा जा सकता है, सेकंड को समय को सेकंड में, तो विस्थापन बटा समय इज इक्वल टू एम अपॉन एस, मतलब मीटर पर सेकंड, बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किस सेकंड नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो यह कदम, क्या हो जाएगा? तो यह कदम का त्वरण अचर है, तो इस कदम का जो त्वरण होगा वो अचर होगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग क्वेश्चन, क्योंकि जरूरी है। चलिए, निम्नलिखित में से सदिश कौन सा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें ताप क्या होता है? अदिश होता है। और चाल क्या होती है? अदिश होती है। कार्य क्या होता है? अदिश होता है। विस्थापन जो होता है वो सदिश होता है। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन का भी, बहुत ही बेसिक नहीं, मतलब हर चैप्टर के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए गए हैं। हर चैप्टर नहीं, जो हम लोगों का ये, हाँ चैप्टर नंबर आपका शायद थर्ड या फोर्थ बुक में, उसके ये बेसिक क्वेश्चंस ही लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए। इनमें कौन अदिश है? उसमें सदिश बताना था, अब इसमें अदिश बताना है, तो अदिश कौन सा हो जाएगा? कार्य, बी वाला। ठीक है, कार्य जो है अदिश है, बाकी बल जो होता है वो सदिश है, वे संवेग सदिश है, त्वरण सदिश है। ठीक है, अब निम्नलिखित में कौन सदिश है? फिर वही क्वेश्चन, इसमें कौन सा सदिश है बताइए, छाट के बताइए, कमेंट करिए। चलिए मैं बता दे रहा हूं, इनमें भी सदिश जो है वो डी वाला विस्थापन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं? अब ये मतलब तीन तीन तो दे रखा है, तीन तीन एक ही ऑप्शन में तीन तीन दे रखा है, इसमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो सदिश का सही होता है, सदिश का कौन सा सीक्वेंस इसमें सही है? तो मैं बता दूं आपको, थर्ड नंबर देखिए, सी वाला ऑप्शन जो है, वेग सदिश होता है, त्वरण सदिश होता है, और बल भी सदिश होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए, सेवन नंबर क्वेश्चन पढ़िए। यदि दो राशियां का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो, तो राशियां, अगर कोई राशि है उसका जो ग्राफ है वो सरल रेखा में है, तो राशियां क्या है, वो राशियां क्या हो जाएंगी? बराबर होती हैं, बी वाला, बराबर होती हैं। ठीक है, एट नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति पटना से चलकर कोलकाता पहुंचता है और फिर कोलकाता से पटना वापस आ जाता है, उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? पटना से जाता है, फिर पटना से कलकत्ता जाके फिर वापस आ जाता है, ये सब विस्थापन वगैरह मैंने इतना क्लियर कर रखा है लेक्चर वाले वीडियो में, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट पे से देखिएगा, यूपी पॉलिटेक्निक बैच 2023 के नाम से चैनल में जाइएगा,
बहुत ही तगड़े से ये सब चीजें अच्छे से क्लियर कराई है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। भाभी मैं इसका आप लोगों को आंसर डायरेक्ट बताते चलता हूँ, शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। तो जब जाके वापस आ गए तो विस्थापन तो शून्य हो ही जाएगा, ठीक है, दूरी नापी जा सकती है, विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी वाला शून्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करके स्क्रीनशॉट लेते चलना है, ठीक है। एक समान वित्तीय गति में, अब एक समान वित्तीय गति में क्या होता है, चाल अचर होती है और वेग चर रहती है, यह चीज याद रखना है। जब एक समान वित्तीय गति होती है तो चाल अचर होती है और वेग चर रहते हैं, ठीक है। डी वाला इसमें सही है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स किस लिए है कमेंट करिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तो मैं बैठा ही हूँ, बाकी स्क्रीन पे नंबर भी आपके सामने आ ही जाता है, सीधे मुझसे बात करिए, कमेंट भी क्या उससे मेन, चलिए लेकिन कमेंट जरूर कुछ ना कुछ किया करिएगा, इससे लगता है कि हाँ बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलने वाली किसी वस्तु का रेखीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बताइए त्रिज्या वृत्त, तो आप मतलब बताइए इसका क्या होगा 10th का आंसर। अब ये देखिए जो W आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा दूं क्या, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे एक W टाइप का दिख रहा है, कुछ लोग समझेंगे जो सिख लोग होते हैं उनका सिंबल भी ऐसा कुछ कुछ होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, ठीक है, ओमेगा याद रहेगा। 10th नंबर क्वेश्चन था, क्या बोलते हैं, ओमेगा याद रहेगा। चलिए तब अब इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, वी बराबर आर ओमेगा, वी बराबर आर ओमेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, घड़ी में 11th नंबर क्वेश्चन है, घड़ी के पेंडुलम की गति क्या होती है। अब ये भी वीडियो में ये सब जो चीजें आ रही है मैंने बहुत तगड़े से पढ़ा रखी है, आप लोग जाके प्लीज वो वीडियो देखिएगा, तो ये थोड़ा क्वालिटी उसकी खराब है, लेकिन आप लोग जब 460 420 या 760 अगर 720 करेंगे तो तगड़ी चलती है, वो भी अच्छे से दिखेगा आप लोगों को, एकदम अच्छे से देखिए, क्योंकि लेक्चर वाले वीडियो में तो क्वालिटी का सवाल ही नहीं उठता है, बोर्ड पे कम चीजें बतानी रहती थी, सब बोलना रहता था, उससे समझिए अच्छे से। तो अब घड़ी के पेंडुलम की गति क्या होती है, डी वाला दोलन, ठीक है, 11th का डी हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन पढ़िए, एक समांतर रेल पटरियों पर दो रेल इंजन विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, यदि एक का वेग 40 किलोमीटर पर आर और दूसरे का 60 किलोमीटर पर किलोमीटर पर आर तो उनके बीच अपेक्षित वेग होगा। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, और हाँ इससे मुझे याद आया, कल शाम को एक कमेंट आया था कि सर न्यूमेरिकल लगाइए, तो न्यूमेरिकल भी मैं कोशिश करूंगा, मेन चीजें मेरे ना लगवाने का न्यूमेरिकल ये कारण था, वैसे न्यूमेरिकल मैं लगवा रखा हूँ, जो टॉप 10 MCQs वाले क्वेश्चन रहते हैं मेरा, आप थंबनेल देखिएगा जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे उसमें न्यूमेरिकल लगे हैं, लेकिन क्वालिटी थोड़ा नहीं ठीक हो पा रही थी इसलिए मैंने इसमें बताया, और इसमें न्यूमेरिकल में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन हाँ मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा तो कोशिश करूंगा कि एक जगह सॉल्व करके डायरेक्ट आपको वो पेज ही दिखा के समझा दिया करूंगा, ठीक है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बात समझिएगा, बाकी धीरे धीरे चैनल अच्छे से चल जाएगा तो फिर अच्छे से स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा जाएगा, तब पॉलिटेक्निक तब तक निकल चुका होगा, कुछ और पढ़ा जाएगा। आइए चलिए 12th नंबर बताते हैं क्वेश्चन, एक समांतर रेल, हाँ क्वेश्चन तो पढ़ लिए थे, डायरेक्ट इसका मैं आंसर बता देता हूँ, 100 किलोमीटर पर आर, ठीक है, बी वाला 100 किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 13th नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, बताएगा कोई, संवेग, द्रव्यमान v इंटू एम, एक मिनट, pv, हाँ ठीक है, संवेग p बराबर क्या होता है, mv, p बराबर mv होता है, p बराबर, देखिए मैं लिख रहा हूं तो अच्छे से नहीं लिख मिलता है, m v मतलब द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, p बराबर mv, कुछ याद आया, संवेग p से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को m से, वेग को v से। अगला क्वेश्चन, संवेग माप है, संवेग किसका माप है बताइए, गति की मात्रा का,
किसका है? गति की मात्रा का नाप संवेग है। संवेग किसकी माप है? गति की मात्रा का। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए क्वेश्चन। किसी असंतुलित बल, 50 नंबर, किसी असंतुलित बल द्वारा एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण होता है। कोई असंतुलित बल था तो उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वस्तु में, वो त्वरण तो वो क्या होता है, ये चीज पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो बल के त्वरण जो होता है वो क्या होता है? बल के समानुपाती होता है। क्या होता है? बल के समानुपाती होता है। ठीक है, बी वाला आंसर सही है, क्वेश्चन ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक समान वेग से गतिशील जहाज में बैठा एक व्यक्ति ऊपर की तरफ एक गेंद फेंकता है तो गेंद वापस गिरेगी व्यक्ति के, 60 नंबर क्वेश्चन, हाथ में, आगे पीछे कोई नहीं, कहीं नहीं। अब ये चीज भी मैंने क्लियर करा रखी है, जैसे कोई आदमी है, बच्चा देख लीजिए, कोई ट्रेन में बच्चा है गेंद खेल रहा है, तो ट्रेन तो चलती हुई अवस्था में चल रही है, लेकिन जब बॉल ऊपर उठाता है तो उसके हाथ ही में क्यों गिरती है? ट्रेन तो आगे बढ़ गई, तो बताइए उसके हाथ ही में क्यों गिरती है? गेंद को भी तो आगे पीछे होना चाहिए, तो गेंद भी क्या आपके साथ चलती है? इन सब चीजों को मैंने लेक्चर वाले वीडियो में क्लियर किया है, ये उन्हीं को फायदा मिलेगा जो वीडियो पूरा देखे होंगे, क्योंकि अब इतना तो याद नहीं रहता है किस वीडियो में कितने मिनट पे ये चीज बोले, इसलिए आप लोग वीडियो जब पूरा देखेंगे तो आप लोगों को ये सब चीज फायदा मिलेगी। तो इसका कारण कोई बताएगा जो भी ये आप समझ लीजिए बोनस क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, कि आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि अगर हम ट्रेन वगैरह में कोई भी गेंद अगर ऊपर फेंकते हैं किस नियम के कारण या क्या है, वो चीज आपको बतानी है, सब क्लियर करना है, कमेंट में डालिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, कि गेंद अगर हम कहीं चल रहे होते हैं और गेंद ऊपर फेंकते हैं तो भी हमारे हाथ ही में आती है, ये चीज बतानी है। ठीक है, ट्रेन में एग्जाम्पल मैंने दे दिया, तो हाथ में, इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 वाले का? हाथ में, 16 का आंसर क्या हो जाएगा? कोई वस्तु बैठे तो हाथ में ही गिरती है, ये चीज तो मैंने बता दिया, आप क्यों गिरती है ये चीज आप कमेंट में बताएंगे। अब 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, द्रव्यमान बराबर होता है, 17 का क्या? द्रव्यमान किसके बराबर होता है? बल बट्टा त्वरण के, बी वाला। 17 का द्रव्यमान बराबर होता है, तो द्रव्यमान किसके बराबर होता है? एम बराबर बल बटे त्वरण, मतलब बल एफ अपॉन वी। ठीक है, अरे एफ इज इक्वल टू एम वी होता है, अरे एफ भाई समझ लीजिए, एफ इज इक्वल टू एम वी होता है, तो जब ये वी यहां से हटा दोगे तो यहां वी आ जाएगा, तो m बराबर एफ अपॉन वी हो गया, तो बल किसके बराबर होता है? एफ त्वरण है, तो मतलब a, f इज इक्वल टू एम ए एम वी। ठीक है, एम ए होता है, f इज इक्वल टू एम ए एम वी, मेरा b इज इक्वल टू एम वी याद आता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो a यहां आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। कोई गतिशील वस्तु का अगर वेग हम आधा कर देंगे तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, ए वाला, आधा हो जाएगा। एक मिनट में पानी पी लूं, बोलते बोलते गला सूख, तब तक क्वेश्चन पढ़िए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, यदि दो वस्तुएं ए तथा बी के द्रव्यमान क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम है तो क्रमशः है तो क्या बताइए? बी का जड़त्व जो होगा वो ए से अधिक होगा। यदि दो वस्तुएं ए तथा बी के द्रव्यमान क्रमशः है 10 और 20 हैं तो इनका जो जड़त्व तो होगा, बी का जड़त्व जो ए से ज्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, वृत्तीय गति में केंद्रक की तरफ लगने वाला बल कहलाता है। वृत्तीय गति में केंद्रक की तरफ लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए अगला क्वेश्चन। संवेग निर्भर करता है, संवेग किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर ही संवेग निर्भर करता है, क्योंकि p बराबर mv, द्रव्यमान तथा वेग दोनों पे क्या करता है? निर्भर करता है, दोनों पे निर्भर करता है। ठीक है,
22 नंबर क्वेश्चन, क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती हैं, जो कि न्यूटन का गति का, अब जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है इस जगह, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा नहीं, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो सबको आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हो, अगर ये नहीं आ रहा है तो तुम फिजिक्स मत करो भाई, मतलब न्यूटन साहब का नियम ना जानो तो भाई फिजिक्स ना पढ़ो। कोई बताएगा? 10 सेकंड वेट करते हैं, कमेंट करिएगा। अब लाइव स्ट्रीम तो है नहीं कि ईमानदारी चलेगी, लेकिन मैं मान लूंगा कि आप ईमानदार हो, आप कमेंट करिएगा इस वीडियो, इस क्वेश्चन के लिए। मैं 10 सेकंड का वेट कर रहा हूँ इसीलिए, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। अभी तो मैं आंसर बता ही दूंगा, लेकिन कमेंट मुझे चाहिए, चाहे जो हो। चलिए ठीक है, जिसको करना था अभी तक कर चुका होगा, जब मैं वीडियो में देखूंगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो होता है वो तृतीय नियम होता है, ठीक है, ए वाला आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संवेग का मात्रक। अब संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बी वाला, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। बल एक राशि है, बल कैसी राशि है जल्दी बताइए? सदिश राशि। इतना पूछेंगे क्या? इतना नहीं पूछ रहा है, अपने आप भी कुछ बताते चलना है। बल एक राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संवेग एक राशि है, बल एक राशि थी, कैसी थी? सदिश राशि की, अदिश जो भी थी। अब इतना तो नहीं रिपीट नहीं करना है। 25 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को ज्यादा लॉन्ग भी नहीं बनाना है कि आप लोग भाग जाएं वीडियो, लेकिन वीडियो पूरा देखना है, भागना किसी को नहीं है। जो एक बार चैनल पे आ जाए वीडियो पूरा देखेगा, भले स्पीड बढ़ा के 2x पे देख लें। तो संवेग एक राशि है, संवेग कैसी राशि है? ये भी सदिश राशि है, ठीक है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सदिश राशि है। अब 25 क्वेश्चन की बात थी, 25 क्वेश्चन लगभग लग चुके हैं, हाँ लग चुके हैं। चलिए अब थोड़ी बात हो जाए, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। अब पहली चीज, जो लोग भी अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सारे वीडियो देखिए और चैनल को सपोर्ट करिए, आप लोगों की सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोगों से घर में सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि चैनल नया है, ऐसे ही और ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए। बाकी कुछ भी अभी तक जो भी वीडियो में बने हुए हैं वो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट करके जाया करिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी करना होगा, आप, मेरा नंबर भी आपके पास है, और मतलब स्क्रीन पे था, आप नंबर लिख लीजिएगा, और कमेंट भी, आप कमेंट बॉक्स भी आपके ही पास है, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।